अंतरजातीय विवाह करने वाली एक नवदंपत्ति को रिवाड़ी बस अड्डे पर उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब पति की पैंट उतरवाकर यह पता किया कि वह किस समुदाय का है, हिंदू या मुसलमान। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस को शिकायत दी। जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो दंपत्ति ने इसकी शिकायत सीएम विंडो पर की। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही करने की वजह पुलिस चौकी में ही पीड़ित दंपत्ति पर फैसले के लिए दबाव डालने लगी। जिस सुशासन मित्र की कानून की पालना न करने वालों पर सख्ती करने के लिए नियुक्ति की गई थी, वहीं पुलिस के साथ मिलकर दबाव बनाने लगे। तस्वीरों में आप जिस महिला को समझाते हुए देख रहे हैं, उसका कसूर मात्र इतना था कि उसने अंतरजातीय विवाह किया था और वह अपने पति के साथ 10 अक्टूबर को दवाई लेने अपने पति के साथ नूह गई हुई थी। जैसे ही वह करीब शाम 7 बजे रिवाड़ी बस अड्डे पर पहुंची तो दर्जन भर महिला और पुरुषों ने उन्हें घेर लिया और कहने लगे कि वे विभिन्न हिंदू संगठनों से हैं। तभी उनकी जाति के बारे में पूछताछ की, लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंदू या मुसलमान की पहचान करने के लिए बस अड्डे पर ही उसकी पैंट उतरवाकर यह चेक किया गया कि वह हिंदू है या मुसलमान। उनमें से एक के फोन मिलाकर पीड़ित की पत्नी से पिता से भी यह पूछा कि वह किस समुदाय से संबंध रखता है। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। ये मामला है कि मैंने अपने हॉस्पिटल से दवाई लेके आई थी नल्लड़ कॉलेज से, मेरे ऊपर रिवर्स स्टॉक के ऊपर जैसे लेडीज औरतों ने रोक लिया था और कोई बता रहे कि हिंदू संगठन के हैं, कोई कह रहा हम डीसी ऑफिस से हैं और कोई कह रहे कि भाई हम ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे बोला। वो हम देख लेंगे, तो बोले नहीं तुम क्या देख लोगे, हम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद में चौकी में गए, चौकी में उसके बाद ही हमें छोड़ के भग गए। हमारे बस निकलवाने के बाद में मेरे पति के उन्होंने वहीं पे पैंट उतरवा दी जबरदस्ती। ये कहा कि भाई हिंदू है या मुस्लिम है, इस नाम पे जबरदस्ती उसके गला घोटा गया और उनकी बस स्टैंड के ऊपर पैंट उतारी गई। देख लिया हिंदू है मुसलमान। फिर कहां से आपने और आपके पति ने दोनों लव मैरिज की थी? हाँ, लव मैरिज की थी। फिर उसको बाद कैसे पता लगा कि हिंदू है या मुसलमान है इनको? हाँ। हमारे मेरे पापा ने फोन पे बताया कि भाई लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था, पर इन्होंने बड़े उनके पैंट उतार के जलील किया आपके पति को। फिर आप पुलिस में आई, चौकी में पुलिस में आई है। पुलिस वालों ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस वालों ने 10-10 की बात है, अब तक कोई कार्रवाई ना की है। और सीएम विंडो में डालने के बाद उन्होंने अब 2 दिन से बुलाया है। आज बुलाया आपको, क्या कहा? एक बार बीच में बुलाया था, पर उसके बाद में उसने कुछ नहीं कर, आज बुलाया, आज जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। समझौता करा लिया? हाँ, समझौता। एक जो महिला आई थी, ये महिला का क्या उस समय साथ थी? हाँ, उस समय साथ थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे मोबाइल, मेरे पापा के नंबर लिए थे मेरे से।